सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसका असर पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के लिए 300 रुपए से ज्यादा देने पड़ रहे हैं, जिसके कारण लोग स्कूटर, बाइक, कार सहित अन्य वाहनों को चलाने से डर रहे हैं। एक तरफ जहां लोग पेट्रोल डीजल से दूर भाग रहे हैं, तो वहीं फ्यूल की कमी भी उन्हें सहनी पड़ रही है। इसका असर पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर पर पड़ रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ईंधन की शॉर्टेज के कारण 48 उड़ानें रद्द कर दी हैं। कल रद्द की गई उड़ानों में 11 इंटरनेशनल और 13 डोमेस्टिक फ्लाइट्स शामिल थी, तो वहीं PIA ने बुधवार के लिए 24 उड़ानें कैंसिल की थी। इसमें 16 इंटरनेशनल और 8 डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। इसमें कई फ्लाइट्स में देरी की आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर PIA ने 48 फ्लाइट्स रद्द की हैं। बकाया भुगतान ना कर पाने से पैदा हुए हालात। बकाया राशि का भुगतान ना कर पाने के चलते पाकिस्तान की एयरलाइन को पहले से ही परिचालन में परेशानी के साथ ही भारी भरकम घाटा झेलना पड़ा। पाकिस्तान सरकार ने PIA को 23 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये हालात पैदा हुए। दरअसल एयरलाइन को हर दिन PSO को 100 मिलियन रुपए देने होते हैं, लेकिन PSO एडवांस की मांग कर रहा है और PIA इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। इसके कारण फ्यूचर में भी और फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं।